लास्ट में मुझे स्टार्ट लग रहा है गुड इवनिंग जी जल्दी ना ज्वाइन करो आप आइदा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अलका मैम न्यू पर जी आज अपा टॉपिक स्टार्ट करना है रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट रोल ऑफ प्ले एडमिट ऑलरेडी है इतने रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे के विकास विच खेड दी भूमिका सिलेबस सब कुल है ठीक चल रही है जी सब दी प्रेपरेशन हाँ जी सो दो चार मिनट आप होर वेट कर दे हैं ताकि बाकी स्टूडेंट भी ऐड हो जन फिर उस तो बाद आप अपने टॉपिक कंटिन्यू ऑर्डर विच रखांगे सो दो चार मिनट वेट कर रहा मैं स्टूडेंट्स दी जल्दी तो जल्दी बच्चे ज्वाइन कर जन हाँ जी स्टडी सब दी ठीक चल रही है जी बहुत जल्दी थोड़ा एक मॉक टेस्ट असी लवांगे जो कि फर्स्ट मॉक टेस्ट होएगा हाँ जी जी ट्वेंटी स्टूडेंट ऐड हो चुके ने बस आप अपना टॉपिक विद इन टू और थ्री मिनट दे विच स्टार्ट कर रहे हैं हाँ जी सो जो टॉपिक मैं थोनू करवा रहे हैं उन्हां बारे अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना हाँ जी किन्ना को नहीं जी हनेर साढ़े नहीं आया जी किसी बच्चे दे माई कौन सी शायद उधर है बट चलो
गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, पूजा जी गुड इवनिंग। चलो जी स्टार्ट करिए जी। आज का टॉपिक सिंपल टॉपिक है, बड़ा सिंपल जा टॉपिक। टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है जी। चलो रेडी जी, चलो अब मेरे को लगता है कि सभी स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। सिलेबस आप सबके पास है, सो डी पार्ट द फोर्थ ते सिक्स जी। सुमन जी गुड इवनिंग जी, मक्खन सिंह जी गुड इवनिंग जी। डी द फोर्थ ते सिक्स्थ पार्ट, जो ये टॉपिक है जी, रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अपना डी द फोर्थ पार्ट है। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के विकास माता पिता अते समाज की भूमिका, दिस इज द सिक्स्थ पार्ट। सो दोनों चीजा आप आज डिस्कस करांगे। हाँ जी, रोल ऑफ प्ले, फर्स्ट अपना कंटेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं, रोल ऑफ प्ले। सो मेरी टीचिंग दिया तीन चार जनरल इंस्ट्रक्शंस ने, जो मैं हमेशा कह देना, नोटबुक पेन वाटर बोतल ते सेंसेस, दीज आर द फोर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी करते हाँ या कुछ कॉन्शियसनैस के टर्म्स नू अपनाने हैं, तो ये चार चीज़ा बहुत जरूरी ने जी। स्टूडेंट्स टॉपिक है जी रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे दे विकास विच खेड दी भूमिका, ठीक है। सो ये जनरल तौर पर तुहानू सब नू पता है कि एक बच्चे दे विकास विच, बच्चे दे विकास विच खेड दी की भूमिका रहिंदी है। आपां कल जीर प्याज से डिस्कस किया है, जिदे विच उहने ज्ञानात्मक विकास की गल कीती है। डे बाय डे आपां बहुत चीज़ां बच्चा उस नू समझदा है, अंडरस्टैंड करदा है। सो सब तो पहला आपां ये देख रहे हैं भी किस तरह बच्चा अपनी लाइफ दे विच खेडां दे नाल एंजॉय करता है, की चीज़ां नू अपनांदा है ते किस तरह अपनांदा है। सो ये कंप्लीटली जिहड़ी टर्म्स ने ये ऑब्जरवेशन ते डिपेंड ने। सो सब तो पहली आपने कोल खेड है अन
ਅਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਬੇਕਾਬੂ। ਬੇਕਾਬੂ ਖੇਡ ਜਾਂ ਅਨਓਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਨਓਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਖੇਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਖੇਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟੋਇਜ਼ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੇ ਦੀ, ਫਸਟ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਕਾਬੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ, ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਪਲੱਸ ਬੇਕਾਬੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਲੱਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵੋਇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਾਲੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਓਕੂਪਾਈਡ ਪਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਲੀਟਰੀ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ
स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो 3-4 महीने बाद बच्चे नूं जिहड़ियां टर्म्स मिलदियां ने ओह सोलिटरी प्ले दे विच मिलदियां ने। अंदर स्पष्ट हो गया जी, फर्स्ट इकल्ला प्लस बेकाबू किसी भी वस्तुओं का ना होना, सैकेंड विच इकल्ला हुंदा है पर वस्तुओं की मौजूदगी हो जाती है, तो नियंत्रण हल्का फुल्का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, दो जिहड़ियां टर्म्स ने तुहाडे सामने ने, हुण आपां नैक्सट प्ले वल चलते हैं। आगे जी थर्ड स्पेक्टर स्पेक्टेटर अनलोकर प्ले, बड़ी अच्छी टर्म है, पंजाबी विच नोट कर लो, दर्शक दे रूप विच खेड, स्पेक्टेटर अनलोकर प्ले, दर्शक दे रूप विच खेड। इस स्टेज दे विच बच्चा की करता है, जदों बच्चा एक तो दो साल दे विच आ जाता है, उदो बच्चा एक स्पेक्टेटर ते अनलोकर दा रूप प्ले करता है। बड़ी अच्छी परिभाषा दे विच लिखा होया है, दूजियां नूं देख के खुश होना पर किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होना। इत्थे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस दे विच, हाँ जी बिल्कुल सही सुमन जी, दूजियां नूं देख के खुश हो जांदा है ते अपने आप विच मस्त रहिंदा है। एक तो दो साल दा बच्चा वो अपने आप विच मस्त रहिंदा है, कहन दा मतलब जो भी उन्हें दिखाई दे रहे है वो उसकी एक खेड का रूप है जिस दिन उन्हें खुशी मिल रही है। अगर मैं गल करा पैरेलल प्ले दी, समांतर खेड, दूजिया बंदियां मनुखियां बच्चियां, बच्चियां लिखे हुआ है जी, बच्चियां इतने बच्चियां कर लो जी, देख के खेडना, काम करना ते नकल करना, अंतर की है सुमन जी? तुसी विच लिखिया सी एदे विच बच्चा हाले एक आपदे माइंड विच सेटअप करता है कि मैं उस तरीके नाल खेडना है, पर पैरेलल प्ले दे विच ओ उस काम नू एक्टिव कर लैंदा है। नकल करना नू इंग्लिश दे विच इमिटेशन किया जांदा है, जिन्नू पंजाबी विच नकल करना किया जांदा है। ए पेपर इस क्वेश्चन तुहाडे कोल वैसे भी आ सकता है, इमिटेशन पूरी तरह नैचुरल हुंदी है, ये ध्यान रखना तुसी, नकल हमेशा प्राकृतिक हुंदी है, इमिटेशन इज ऑलवेज नैचुरल नॉट एन आर्टिफिशियल। ठीक है, ये नोट कर लो, एक में ह्यूमन बींग दी जनरल सेंस दस देना, आपां नूं जो चंगा लगता है ना, जो चंगा लगता है, मैं 100 दे विच्चों 60 बंदे दी गल कर रहा, वैसे यही गल जो मैं कर रहा बहुत ज्यादा लोगों की है, 70 लोगों की, 80 लोगों की है। मान लो तुहाडे फ्रेंड सर्कल विच तुसी 10 जने हो, दस दे विच्चों एक जिहड़ा फ्रेंड है तुहाडा बहुत परसनैलिटी स्मार्ट हैंडसम है, एदे विच्चों एक या दो फ्रेंड ही होणगे जिहड़ियां दी इबादत करनगे, बाकी जिहड़े 7-8 होणगे ना वह नहीं करनगे, पर उहदी नकल करनगे वी असीं उहदे वर्गे बण जाईए। कहिंदा भावे कि ये नैचुरल है, इह किसे नूं दस्सण नाल नहीं हुंदी, ए अपने आप उस गल नूं मन लैने आ। ठीक है ना, सो कहन दा मतलब ए है भी ए चीजां नैचुरल हुंदियां ने,
जिस तरह एक छोटा बच्चा किसी चीज़ नू देखता है ना, वो नैचुरली उस तरह करता है। उदाहरण मैं दे देना, मान लो घर का एनवायरमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है, तुसी बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करते हो, बड़े अच्छे एटिकेट्स के नाल खाना खाते हो, बड़े अच्छे एटिकेट्स के नाल तुसी एक दूजे नू बुलाते हो, तो ऑफकोर्स जो तुहाडा बच्चा होएगा तुहाडे नाल पैरेलल प्ले करेगा, तुहाडे समानांतर चलेगा, तुहाडी नकल करेगा। पर जदों कुछ गलत करता है, अगर वो खाना खाते टाइम वो खाना गिरा रहा है, तो वो कारण शायद हो सकता है कि थोड़े विच भी इस तरह के सिस्टम होन। जो खाना खा रहे हो ढंग नाल नहीं खा रहा, हो सकता है तुसी भी उस तरह खाना ना खाते हो। सो असीं बच्चे नूं गलत ठहरा दिंदे आ, पर बच्चा पैरेलल प्ले कर रहा होंदा है। ठीक है, ये एज बच्चे की 2 तो वध जाती, जदों 3-4 साल की उम्र जो बच्चा आ जाता है उदो पैरेलल प्ले स्टार्ट हो जाता बच्चे का। सो बच्चा देखता है, नकल करता है, उस तरह खेलता है, अपने काम उस तरह की करने की कोशिश करता है। दीज आर द फोर फोर प्ले। नाउ फिफ्थ वन आ जाओ जी, एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले नू लिखा गया जी पंजाबी विच एक दूजे नाल खेलना या मिलना, दोस्तां मित्रां विच बैठना ते खेलना, पर पूरी तरह पालन ना कर। लो जी, जदों बच्चा वो आपां गल कीती सी 1 तो 2, 2 तो 3 साल जदों इत्थे हो जांदा है, ये ऑब्जरवेशन है, कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं गा। एदे विच बच्चा 3 तो 4 साल लगभग एक दूजे नाल मिलना, बैठना, उठना, खेडना, पर पूरी तरह पालन ना करना। लास्ट आपा 5 साल तक कह सकते हैं, 5 साल तो जो घट आ। सो इस दे विच की करता है बच्चा, दूसरे बच्चे नाल बैठता है, उठता है, खेडता है, पर गल नू ध्यान दिया जे इस एसोसिएटिव प्ले दे विच बच्चा जिहड़े दूसरे वड्डे, मान लो बच्चे ना, वो मान लो वड्डे बच्चे अपने कोई रूल बना देने, इस एसोसिएटिव प्ले में जिहड़े छोटे बच्चे होंगे ना, वो कई बार तो रूल फॉलो करेंगे, कई बार कहेंगे मैंने नहीं खेलना, मैंने नहीं खेलना, मेरे को ये पसंद नहीं है। कहने का मतलब वो अपनी पूरी तरह भागीदारी नहीं दे रहे, पूरी तरह उन्हों का पालन नहीं कर रहे। उही जदों बच्चे वड्डे हो जाते हैं, जदों बच्चा 5+ हो जाता है, उदों आती है कोऑपरेटिव प्ले, सहयोग खेड, दोस्तां मित्रां नाल पूरी तरह भागीदारी करना, नियमां दा पूरी तरह पालन करना, अपने नियम बनाना, सेल्फ रूल्स। बच्चे जो वड्डे हो जाते ना तो ग्रुप में खेलते हैं, तो उदो कह लग पे नहीं मैं बताता हूं आपको कैसे खेलना है, मैं बताता हूं आपने क्या करना है, नहीं आप ऐसे मत खेलो, खेलो मैं जैसे बताऊंगा, या मैं जैसे बताऊंगी आप वैसे खेलो। उदो आपदे आप एक तरह लीडर बना लेंगे ने। सो दूसरे नियम तो अपना ने, पर नाल दी नाल अपने नियम भी जोड़न लग पैंदे ने। सो ये गल इंपोर्टेंट है, पूरी तरह भागीदारी होंदी है, ये गल इंपोर्टेंट है। एदे विच ओह पूरी तरह भागीदार नहीं होंदे, पूरी तरह उन्हां दा पालन नहीं करदे। ठीक है, सो ये चीज़ां एसोसिएटिव प्ले दे विच मिलदियां ने, ते ये वाली चीज़ां जिहदे विच ओह नियम अपने खुद के बनाते हैं और कोऑपरेटिव प्ले। एक बार मैं रैपिटेशन मोड दे देना, एक एक मिनट के लिए एक एक स्लाइड ओपन होएगी, तुसी उन्होंने रीचेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बैक्स चैट बॉक्स के मैं मैसेज कर दो, ते फिर आप नैक्सट कंसैप्ट वाल चलते हैं। जस्ट एक मिनट के लिए फर्स्ट स्लाइड ओपन है, एक मिनट के लिए सैकेंड, एक मिनट के लिए थर्ड। डन जी, फर्स्ट पॉइंट अनऑक्यूपाइड। गुरप्रीत जी, अनऑक्यूपाइड पॉइंट रिपीट। गुरप्रीत, अनऑक्यूपाइड प्ले वो होंदा है जदों बच्चा जन्म लैंदा ना, एक दिन का, मान लो बच्चा है, एक दिन का बच्चा जदों आया है अपने मदर कोलों,
उदो बेकाबू, बेकाबू कहने का मतलब है उन्हू किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वह जस्ट हले अपने आप दे विच है, उदी पहली खेड अपने आप विच है, उदा नियंत्रण किसी भी चीज़ा विच नहीं गा, ना ही उन्हू कोई हले बाहर वाले बंदे पसंद, ना ही उन्हू कोई खिडौने पसंद। दैट इज कॉल्ड द अनऑक्यूपाइड प्ले, किसी चीज़ की कोई लोड़ नहीं, बिल्कुल जी। सोलिटरी प्ले दे जो तो बच्चा थोड़ा जा संभल जाता, जिम्मे आप कहने ना दो तीन महीने का हो जाता है, तो बच्चे की आईज ओपन हो गई, बच्चे की सेंसिस चलन लग पच्चा, अपना अपने आप खेडन लग पाया, तो उदों के रिश्तेदार की करते हैं, उनके मदर फादर उन्होंने सॉफ्ट टॉयज लिया के देंगे ने, कुछ विसलिंग वगैरह देंगे ने, कुछ साउंड सिस्टम वगैरह वाले टॉयज लिया के देंगे ने, वह सोलिटरी प्ले। ठीक है, सो नैक्सट ये देख लो जी, सेकेंड स्लाइड, स्पेक्टेटर अनलॉकर प्ले पैरेलल प्ले। ठीक है जी, जी थर्ड फर्स्ट शो प्लीज सिमरन, थर्ड पॉइंट रिपीट। सानिया जी स्पेक्टेटर अनलॉकर प्ले जो बच्चा एक या दो साल दे विच हुंदा है तो वह दूसरे बच्चों देखता है एक ऑडियंस के तौर पर, वो एज एन ऑडियंस काम करता है, भी बस देखता है कि बच्चे वड्डे बच्चे खेल रहे ने, भज रहे ने, उसका दिल करता है, पर वो हाले आपदे आप दे विच इनवॉल्व हुंदा है, पर वो खुश हुंदा है, पर वो किसी भी तरह की भागीदारी नहीं करता। ठीक है, टाइम इन्ना ना लगाओ, लो जी फर्स्ट स्लाइड चेक कर लो जी, ओके चलिए थर्ड स्लाइड, एसोसिएटिव प्ले कोऑपरेटिव प्ले, क्लियर है, दूसरे दे नाल वो खेड़दा है पर पूरी तरह इनवॉल्व नहीं होता, कोऑपरेटिव दे विच पूरी तरह इनवॉल्व होता। डन, चलो जी, पेरेंटिंग स्टाइल, आप टॉपिक पीछे सब टॉपिक पढ़िया सी ना, सब टॉपिक आप पढ़ाया ना तुहानू, हाँ दिस वन, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। सो पेरेंट्स आपां विचों तुहाडे स्टूडेंट्स काफी पेरेंट्स भी होंगे, मैरिड परसन होंगे या अनमैरिड होंगे, जिन्हें कोई बच्चे भी है, एक साल दो साल का तीन साल का कुछ भी है, सो वो अज पता करेंगे कि असी कि स्टाइल दे गए, जेडे अनमैरिड ने वो इस गल नू समझ जान भी असी किस तरह के पेरेंट्स बनना है। ठीक है, सो मैं तुम दसा पेरेंट्स बनया नहीं जाता, वो जो खुद की नेचर से स्टाइल होंगे ना वो बर्थ तो ही बन जाता बच्चे का। हाँ जी, चलो जी, पहला तो ना अपनी नोटबुक से ये दो पॉइंट्स नोट कर लो, मतलब एक साइड से आ तीन पॉइंट, ए वांथ लव केयर वांथ, तो दूसरे पास कंट्रोल ते डिसिप्लिन, आ न्या नहीं है जी, निग है, निग वार्मथ नू वार्मथ नू निग कहा जाता है, मतलब कि एहसास प्रेम प्यार, एक जिन्हों आप कहने स्नेह, ओ ठीक है। चलो जी, सब तो पहला पेरेंट्स स्टाइल, अथोरिटेटिव पेरेंट्स, अधिकारत माता पिता, अथोरिटेटिव
रेपीटेशन। एक ना मैं तुहानू गल करा, एक टीचिंग होंगी टीचिंग मैथोडोलॉजी, बड़ा अच्छी गल है तुहानू दसन जा रहे हैं। तुसी टीचर किस तरह के बनना चाहते हो, तुसी टीचर या आप नॉर्मल टीचर गल करा ना, एक टीचर मैं उन्हां दी मतलब कि वह नहीं कर रहा भी वह उस तरह के, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है भी बच्चों मैं तुहानू पढ़ा जा रहा थोनू नहीं समय लगेगा, तू एक बारी पूछो, दो बारी पूछो, तीन बारी पूछो, जिन्नी बारी मर्जी पूछो, पर मेरा ये एटीट्यूड नहीं है टीचिंग का। वाई वाई रिपीट एंड रिपीट ऑर्डर यार, क्यों? या तो थोड़े पढ़ाने में कमी है या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तक तुम पहुँच नहीं पा रहे, दैट इज द रीजन रिपीट मोड। हाँ पढ़ा रहे हैं, कई बार स्लाइड अगे हो जाती है या स्लाइड पीछे हो जाती है, या बच्चा लेट एंटर हो रहा है, या बच्चे नू नोट नहीं किया, दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट रीजनस। पर यह तो नहीं ना भी जो बच्चा अज प्रेजेंट है, देख रहा, सुन रहा मेरी गल, मैं ये नहीं कह रहा कि तुहानू तुहाडा पूछण दा हक नहीं है, राइट है पूछो, बट जदों मैं तुहानू फस्ट सेंस दे विच इस तरीके नाल दस रहा 99.9% आंदे ना लाइफबॉय दी ऐड, तो लाइफबॉय का सॉप लीजिए या सैनिटाइजर लीजिए, 99.9% जर्म्स खत्म। वैसे ही मेरी टीचिंग है कि 99.9% थोड़े तक वो मैसेज पहुंचता है, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग ते इन्ना फेथ है। सो तुसी भी अपन सेंसिस नू 99.9% तक एक्यूरेट रखा करो, रेपिटेशन मोड उदो रखा करो जो तो बहुत थानू पता भी हूँ पता नहीं चल। डन, जिस तरह की आदत बनाओगे उस तरह के बन जाओगे, सो उस तरह की आदत तैयार करो। फर्स्ट अथॉरिटेटिव, वो वाले पेरेंट्स होंगे ने लव केयर ते वार्मथ, प्यार देखभाल ते निग जेड़े माता पिता च ज्यादा होंदी है, ते दूसरे पासे कंट्रोल ते डिसिप्लिन ए भी उन्ना विच ज्यादा होंदा है। मैं उन्हां नूं थोड़ा जा इंडिकेट करदा मजेदार माता पिता, अजिहे माता पिता जिन्हां अंदर आ भी चीज होंदी है भी हां जिथे बच्चे नूं प्यार करना है चाहिदा है, पर जिथे बच्चे नूं कंट्रोल करना है डिसिप्लिन देना वो जरूरी है। आज दी सोसाइटी दी मैं तुहानूं गल करदा, पेरेंट्स की करते ने, पेरेंट्स तो की करते सोसाइटी वाले भी बच्चा मार्केट जा रहा, पेरेंट्स के नाल बच्चे ने एक चीज की डिमांड कर ली, चलो एक चीज की डिमांड की पेरेंट्स ने लै दी, जिवें जिवें बच्चा मार्केट के नाल जा रहा अपने पेरेंट्स, बच्चा डिमांड टू डिमांड कर रहा, जेडे पेरेंट्स के नाल उनके रिलेटिव्स ने या उनके कोई फ्रेंड्स ने वो कहते यार लै दे यार बच्चे नूं, फिर की है बच्चे नाल वध के की होंदा। ये इन्नी कु सोसाइटी खराब हो चुकी है कि आपां दूजियां दे कारण आपां की करते हैं, दूजियां दी गल्लां दे कारण, दूजियां दी गल्लां नूं सैटिस्फाइड करन दे कारण असीं बच्चियां नूं दूसरी चीज़ां देण दे लई स्टार्ट हो जांदे। तो अथोरिटेटिव पेरेंट्स नहीं होवोगे फिर तुसी, सिर्फ तुहाडे अंदर प्यार ते वार्मथ है बस अन्ने गई है भी हाँ ठीक है, कंट्रोल ते डिसिप्लिन तो जीरो हो गया। सो तुसी मजेदार ए नहीं गा जिन्नी बच्चे ने डिमांड की तुसी लैती तां तुहाडे नाल तुहाडे वर्गे कोई पेरेंट्स नहीं गए, दिस इज रोंग। तो ये चीज़ा तुहानू अज नहीं पता चलनगियां, तो जो बच्चा चाइल्डहुड स्टेज दे विच अडोलोसेंस दे विच जाएगा, जिहड़े जेकर अज तुहाडे तो एक 20 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं ना, तो अडोलोसेंस दे विच 20,000 की करेगा, तो जो अडोलोसेंस लंघ गया 20 लाख की डिमांड करेगा, तो जे तुहाडे कोल नहीं होएगा ना ऑन द स्पॉट तो वह तुहाडे तो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट मीनस टू या तो वह एक अपने ओपोजिट सैक्स दे विच, अगर लड़का है तो किसी लड़की वाल चला जाएगा, अगर लड़की है तो किसी लड़के वाल चली जाएगी। दिस इज द मेन रीजन कि बच्चे अपने माँ प्यो तो अड क्यों होंगे ने, ये प्रैक्टिकल टर्म्स ने, आई एम द साइकोलॉजिस्ट, जस्ट अ टीचिंग इज माई वो कहते ने एक इंटरस्ट है मेरा, बट बेसिकली मैं पेरेंट्स दे ते स्टूडेंट्स ते काम करता हाँ।
अगर किसी बच्चे स्पेशली कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स या बच्चे दे लई फ्यूचर करियर दे लई है तो वो मेरा मेन प्रोफेशन है। टीचिंग तो एक है ही है बट जेड़ा मेन बेसिकली मैं ओदे ते काम करता। सो ये चीज़ा अपने लिए बहुत जरूरी ने। अगर असी अज बच्चे नू संभाल लिया ना, वाटसन ने गल की ना जे बी वाटसन ने कि तुसी मैनू 5 साल का बच्चा दो मैं चाहे उन्हू जो मर्जी बना देवगा। सो सेम सिस्टम तुसी मैनू किसी भी एज दे विच बच्चा दो, मैं गिव मी जस्ट 3 to 5 ईयर सो आप उस बच्चे नू बड़े अच्छे करियर दे विच लैके जावांगे। बट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स ना, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट काउंसलर ऑफ एवरी चाइल्ड। जिहड़े माता पिता होंदे ने ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਨ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਐਥੋਰੋਟੇਰੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਵ ਕੇਅਰ ਤੇ ਵਾਰਮਥ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3+ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਤੇ। ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? कभी खुशी कभी गम मूवीज देखे अगर अच्छी होंदिया ने। मूवीज लाइफ दे विच बहुत कुछ सिखांदिया ने। कुछ अच्छी मूवीज देखी है? जी सर जी। तो ओदे विच अमिताभ बच्चन जेड़ा है ना, अमिताभ बच्चन जी, मिस्टर अमिताभ बच्चन स्वागत करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है जी। जी अमिताभ बच्चन जी जेड़े ने वो एक एज एन एथोरिटेरियन पेरेंट्स का रूप प्ले करते हैं। उन्होंने बेटा जेड़ा शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान होंदा मूवी दे विच, वो डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट यही सी ना स्टोरी। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਥੋਰੋਟੇਰੀਅਨ ਲਵ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਰਮਥ, ਵਾਰਮਥ ਹੈ ਜੀ, ਵੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਰੀ ਵਾਰਮਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਨਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ 90% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅਸੈਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਜਲੀ ਜੀ, ਵੇਟ ਜਸਟ ਫੋਰ 1 ਮਿੰਟ।
हले एक मिनट पिया सर कीप करना सर प्लेन वाटर पी लेना प्लेन वाटर को पींदा ना स्वागत है फिर से आपका करियर बिल्डर म्यूट कर लो जी माइक कर दो हाँ जी हाँ जी मैं कर देना जी मैं तो जस्ट एक बारी कहना होता है फिर तो मैं कर ही देना स्टार्ट करांगा तो मैं कर देना चलो जी हाँ जी हाँ डिस्प्ले हो गए हो रहा है जी स्क्रीन सब नू हो रही जी डिस्प्ले ठीक है जी जी चलो आ जाओ जी जी म्यूट हो जाइए सारे म्यूट कर दिए पहला म्यूट 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 चलिए जी हाँ जी अथॉरिटेरियन ते अपन डिस्कस कर रहे सी क्लियर हो गया ओ वाले पेरेंट्स जिन्हों का देखो मैं उपर जो एरोज लगा रहे ना ये एरोज प्लीज अपनी नोटबुक से जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये थानू अच्छा रहेगा उन्हें याद रखना उन्हें अंडरस्टैंड करना अच्छा रहेगा ये एरोज अच्छे रहेंगे थोड़े लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए तो उपर पॉजिटिव ते नेगेटिव दे साइन भी डन जी ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल वाल नेक्स्ट स्टाइल है जी परमिसिव आज्ञाकारी ठीक है लव केयर वार्म्थ लव केयर ते वार्म्थ लव केयर एंड जो वार्म्थ है वो बहुत ज्यादा है कंट्रोल ते डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है पंजाबी भाषा विच सिर्फ गल नूं मनन वाले माता पिता मैं हुने जदों फर्स्ट करवा रहा सी ना तां मैं एग्जांपल दित्ती सी अथॉरिटेटिव दे विच वी लव केयर ते वार्मथ है हुंदा नाल कंट्रोल भी हुंदा है पर कई पेरेंट्स हुंदे ने भी सिर्फ गल नूं मनदे ने हां जी जो बच्चे ने किया ठीक है बेटा हो जाएगा अज बच्चे ने डिमांड कीती ट्वाइस दी अज मिल गया कल बच्चे ने डिमांड कीती कल मिल गया देन उन्हूं पता चल गया भी ये चीज़ा मेरे नाल हो रही ने तो जिस तरह का आप बना रहे हैं उस तरह के वो चीज़ बन जाती है लव केयर तो वार्मथ इन्नी कु ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अजकल के टाइम आप कहने भी मोस्टली बच पेरेंट्स को एक एक बच्चा या दो दो बच्चे ने
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਟੀਕੇਟਸ, ਮੈਨਰਸ, ਲਵ, ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਵਾਰਮਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸਿਵ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 25 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਵਾਏ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਅਡੋਲੋਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਿਸਿਵ। ਪ੍ਰਮਿਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਣਗੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਣਗੋਲਿਆ, ਲਵ, ਕੇਅਰ ਤੇ ਵਾਰਮਥ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟ ਅ ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਅਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਬੇਟਾ। ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੀਆ ਹੁਜਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਲੋਕ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੈਰਿਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ, ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟਫੁੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ,
या जो बहुत अमीर दे लोग बच्चे ने वह कुछ इस तरह के बिजनेस चले जाते हैं। बिजनेस इस तरह का बिजनेस होंगे जिन्होंने आप सैकेंड नंबर का बिजनेस कहने। ऑफकोर्स वो क्रिमिनल्स ही होए। हुण बहुत ज़्यादा सैलीब्रिटीज ने अपन जो आप देखते हैं कोई स्मैक लै रहा है, कोई किसी को गन्स निकल रही ने, किसी को इस तरह का पैसा अपन दिख रहा है, वह सारे कौन ने? क्रिमिनल्स ने यार। बट वो अपन दिख नहीं रहे, उन पैसे के कारण छिपे हुए ने। तो जिहड़े गरीब ने वो पकड़े जाते हैं, जिहड़े बहुत गरीब होंदे ने, छोटे जिहड़े गरीब बच्चे ने वो चोरी करते हैं, क्रिमिनल्स तो बन गए पर वो पकड़े गए। सो ये कारण की है? नगलैक्टफुल पेरेंट्स। सो ये चीज़ा थानू साफ स्पष्ट हो रही ने कि किस तरह आप चीज़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये चार तरह के पेरेंट्स के जोड़े स्टाइल ने वो डिस्कस करने जरूरी सी, तो उस चीज़ के बारे सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया। सो मैं अगर रैपिटेशन मोड दे रहा। थैंक यू मनप्रीत। अथोरिटेरियन मजेदार माता पिता जिन्हां विच ए भी मौजूद है ते ए भी मौजूद है, दोनों पॉजिटिव। अथोरिटेरियन तानाशाही लव केयर वो वांत नहीं है, कंट्रोल द डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। अमिताभ बच्चन कभी खुशी कभी गम दी मैं एग्जांपल देती है, ठीक है जी। प्रिमिसिव आज्ञाकारी लव केयर वार्म्थ बहुत ज़्यादा, कंट्रोल बिल्कुल नहीं। प्रिमिसिव जो कहा वो मान लिया, हालांकि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू एज बच्चों का आपका आज्ञाकारी होना ज़रूरी है। बच्चे आपकी बात को सुने और समझें तो मज़ा आएगा। नेगलेक्टफुल अनगोलिया लव केयर वार्म्थ नेगेटिव, कंट्रोल डिसिप्लिन नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अमीर बहुत ज़्यादा गरीब लोग उनके बच्चे जो हैं वो नेगलेक्टफुल टर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। दीज आर द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स जो आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में डिस्कस किए जा सकते हैं। धन्यवाद गुरदीप सिंह जी। जी चलो जी, जल्दी तो जल्दी रिप्लाई करना स्टार्ट करो तो वो बारे आप देखते हाँ कि किन्ने बच्चे किस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे केड़े पड़ाव खेड़ विचो बिल्कुल इकल्ले खेड़ते हैं जिस विच कोई भी मनुख खिडौने की मौजूदगी नहीं होंगी। रिप्लाई फास्ट 28 स्टूडेंट ने तो मैं 28 कमेंट्स आने जरूरी ने। बी बी रिप्लाई आ रहा है, बी बी रिप्लाई आ रहा है, बी बॉय मनजिंदर कौर रेज हैंड। हाँ जी मनजिंदर जी कुछ बोलना कहना चाहते हो? मनजिंदर कौर जी हाँ जी, सेकंड द ए गुरप्रीत, गुरप्रीत सेकंड द ए क्यों है? आप गल की ना कि देखो क्वेश्चन की सेंस पढ़ो, सेकंड द फोर्थ। अच्छा सेकंड ते आ गए, तुसी सेकंड ते पहुंच भी गए, ठीक है सॉरी मैं फर्स्ट ते ही हलेगा सी। ठीक है फर्स्ट द ऑप्शन बी क्लियर है, सेकंड ते आ गए। सामाजिक अंतरक्रिया दी पहली स्टेज, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मैं इनू थोड़ा जा एनहेंस भी करांगा। हाँ अगर जवाब दे रहे ने सही तो अच्छा लगेगा, पर सेकंड का मेरे को रिप्लाई आ रहा है डी, सेकंड का रिप्लाई आ रहा है फोर्थ ते बी आ रहा है। अनऑक्यूपाइड ते सोलिटरी, क्वेश्चन पढ़ो समाजिक अंतरक्रिया की पहली स्टेज, सेकंड ते रहो पहला, थर्ड ते ना जाओ, सेकंड का आंसर गलत है तुहाडा, सेकंड का आंसर ठीक नहीं है। सेकंड तक पहला सीमित रहो, पर थर्ड ते चलते हैं। देखो मेरी गल सुनो, मैं तुम्हें दिखाना पीछे लेके चलना, जस्ट वेट। लो जी तुसी कहोगे कि समाजिक अंतरक्रिया
देखो पहली वाली प्ले दे विच तां बच्चा किसी दे नाल नहीं जुड़ रहा, दूजी प्ले दे विच बच्चा अपने खेडां दे नाल अपने सिस्टम दे नाल जुड़ रहा है, तीसरे दे नाल वो दर्शक दे रूप विच खेड रहा है, चौथे दे नाल वो दूजिआं नूं देख के अपना खेड रहा है। ये गल नूं समझो, तीसरी दे विच वो दूजिआं नूं देख रहा है ते फोर्थ दे विच दूजिआं नूं देख के खेड रहा है, नकल कर रहा है, पर वो किसी दे नाल जुड़िआ नहीं हले। एसोसिएटिव प्ले जिदे विच वो दूजे नाल खेडना शुरू कर दिंदा है पर पूरी तरह पालन नहीं करता, बट इत्थे शुरुआत हो गई, दूजे दे विच वो एंटर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट सोशल इंट्रैक्शन प्ले एसोसिएटिव। ये गल का ध्यान दियो, एदे विच वो बच्चा उन्हां नाल खेडना स्टार्ट कर दिंदा है, उहदे विच ऐड हो जांदा है, दूसरिआं नूं मिलना जुलना शुरू कर दिंदा, चाहे उन्हां दे रूल्स मन्ने चाहे ना मन्ने, पर वो उन्हां नूं इंटरैक्ट हो गया। तो फस्ट सोशल इंटरैक्शन प्ले कीहड़ी है? एसोसिएटिव। सैकेंड दा ए ऑप्शन, ठीक है जी, रिप्लाई करो सेकंड दा ए। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड दा ए। थर्ड, दोस्तां मित्रां नाल पूरी तरह भागीदारी नियमां दी पालन करना, अपने नियम बनाउणा। हाँ, केड़ी खेड विच शामिल हुंदा है? शामिल लिखिआ है, मुश्किल नहीं गा, शामिल। शामिल हुंदे हैं, एसोसिएटिव, सोलिटरी, कोऑपरेटिव या नन ऑफ दिस। थर्ड दा सी, बिल्कुल राइट आंसर, थर्ड, अपने नियम बना। अगर क्वेश्चन च आ जांदा, अगर आ वर्ड ना होंदा जो मैं सर्कल कर रहा, अगर ये ना होंदा फिर केड़ी प्ले सी दसना? अगर आपने नियम नहीं बनांदा या नियमां दी पालना नहीं करता फिर केड़ी प्ले सी? हाँ बिल्कुल सही, एसोसिएटिव, बिल्कुल सही है, राइट 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 राइट। चलो जी, चलो फोर्थ क्वेश्चन। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ, फोर द रिप्लाई आ रहा है जी मेरे को, फोर द ए, फोर द सी, सी सी सी। हाँ जी, सी आंसर। बच्चों ने जो बहुत ज्यादा समा, देखो जी मोबाइल फोन या कंप्यूटर चलाना गलत गल नहीं है, पर बहुत ज्यादा जी टर्म्स ने ਉਹ ਅਗਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼, ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਐਂਡ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, कल्पना की वरतों ना करो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट्थ, सॉरी फिफ्थ, यह लिखे में केड़ा बच्चा खेडन का शुरुआती रूप है? एकांत प्ले खेड़, पैरल प्ले, बेकाबू, बेकाबू लिखे जी, बेकाबू।
बेरोक या बेकाबू। हेठ लिखे जो केड़ा बच्चा खेडन दा शुरुआती रूप है दसो। बिल्कुल सही मोनिका गुरप्रीत सी। देखो आपा हुने आपा स्टार्टिंग कीती है, सब तो जिहड़ी पहली प्ले कड़ी है अनऑक्यूपाइड, मतलब कि बेकाबू प्ले, ठीक है ना, बेरोक या बेकाबू खेल राइट आंसर। बच्चे कल्या नाटकां विच आम तौर ते अपना समा कदों बिताना शुरू कर देंदे हन? चलो जी करो जी रिप्लाई। बच्चे इकल्या नाटकां विच आम तौर ते अपना समा कदों बिताना शुरू कर देंदे हन? तीन तो पांच, दो तो तीन, पांच तो छे, छे तो अठारह महीने की उम्र। रिप्लाई फास्ट, कमेंट सारे ने सी ए सी डी ए डी ए सी। आंसर केड़ा जी? सनिया मोनिका सी, सिमरन सी, सी मोनिका सी। सनिया ने क्या राइट किया आंसर? ए ए सी गुरप्रीत सी। देखो जी फर्स्ट है जी तीन तो पांच साल, दूसरी है जी दो तो तीन साल, पांच तो छे साल, तीन तो अठारह महीने। पहला ना नगलैक्ट वैल्यूज खत्म करो, तीन तो अठारह कट दो, पांच तो छे कट दो, सी ते डी तो आएगा ही नहीं। आपा डाउट्स क्रिएट करना है, जिहड़ा आपा क्लीयर करना है वो आपा करना है ए ते डी दे विचों। हुण ए ते डी विच चैक करो, आ ते है जी दो तो तीन साल, ते बच्चा तीन साल तो बाद भी इस चीज़ां नाल खेडदा है, तां ऑफकोर्स तीन तो पांच साल क्रिएट हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज करैक्ट। हाँ जी ए ऑप्शन इज करैक्ट, ठीक है। थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक चल रही है, ठीक है। मैं रिपीट कर देना, तीन तो अठारह महीने आप रिजैक्ट करता, पांच तो छे साल रिजैक्ट करता, दो तो तीन साल, तीन तो पांच साल दोनों ठीक ने, पर एक गल का ध्यान रखो बच्चे सेंस बेटा यह है कि बच्चे जिहड़े अलग अलग ना बच्चा अपने वालों एक प्ले बना लैंदा है, प्ले बना के कहता मतलब गेम बना लैंदा है, पापा मम्मा आप पुलिस हो, मैं चोर हूँ, मैं भागूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, फिर ऐसा कुछ होगा। सो एक प्ले एक नाटक नू इंट्रोड्यूस करता है ना, नाटक नहीं समझदा बिना नाटक नू नहीं अंडरस्टैंड मैं करवा रहा, एक नाटक विच आम तौर ते अपना समा बिताने की कोशिश करता है, एक नाटक बना लैंदा है बच्चा अपने आप दे नाल, ठीक है, उहदे बारे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी जी, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करैक्ट। हेठ लिखे जो केड़ा नाटक समूह के टीचर द्वारा आयोजित किया गया है? अपना ही प्ले, हाँ सुमन अपना। हेठ लिखे विचों केड़ा नाटक समूह के टीचर द्वारा आयोजित किया गया है? समाजी खेड, रचनात्मक खेड, प्रभावशाली खेड या सहकारी खेड। सो ये चीज़ का अच्छा रिप्लाई आएगा, आना चाहिए। थोड़ा जा डाउटफुल क्वेश्चन है बट मैं थोड़ा क्लीयर करवावगा, पहला तुसी रिप्लाई करो। हाँ जी सैवन का हेठ लिखे विचों केड़ा नाटक समूह दे टीचियां द्वारा आयोजित किया गया है? बी डी मनप्रीत डी डी वीना डी ए। देखो जी आप गल करते हैं समूह के नाटक की गल हो रही है तो उहदे विच आ दो चीज़ों का कैंसल कर दो, या तो आप समाजिक खेड की गल कर सकते हैं या सहकारी खेड की गल कर सकते हैं। हुण इन दोनों च आप स्पष्ट तरीके नाल किवें जावांगे? समाजिक खेड तो सारे समाज की गल की गई, सारे ये एक पर्टिकुलर समूह की गल की गई है, वह पर्टिकुलर जो समूह होंगे ना उदों सहकारी शब्दों के नाल जुड़ जाता है,
इस गल का ध्यान रख लियो। दो ऑप्शन अपने को डील हो रही ने, समाजिक वो है जिदे आप हर समाज की गल करते हैं, सहकारी वो है जो एक किसी पर्टिकुलर समूह की गल करता है, तो पर्टिकुलर समूह के टीचे सहकारी खेड ही प्राप्त करती है। सैवन का डी 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 डॉग आंसर करैक्ट है। चलो जी, केड़ा खेड बच्चे की मांसपेशी की शक्ति वधाने में सहायता करता है? करो जी रिप्लाई। डी क्वेश्चन आंसर डी, सॉरी एट्थ का रिप्लाई करो। एट्थ का, एट्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी तो जल्दी रिप्लाई करो। एट्थ का बी, चलो जी ठीक है जी, जवाब तुहाडा बी बॉय। ठीक है जी, ठीक है बी बी शरीरिक। नैक्सट हेठ लिखो जी, किहड़ा बच्चे की खेड के संबंध में सही नहीं है, नैगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दे नाल ऑप्शन पढ़ो। उन्दे च क्वेश्चन पूछा है संबंधित सही नहीं है, नाइन्थ दा ए अंजलि आनंद, गुरदीप जी ए, गुरप्रीत ए, ओ अपने खेड द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ओ मुश्किलां सोचना याद रखने दे हल करना सीखते हैं, ओ मुश्किलां नूं याद करने दे हल करना सीखते हैं, इन्हां विचों कोई नहीं। आ तां जी गल सही है, आ भी गल सही है, ए वाली चीज आपां तां नहीं कर सकते क्योंकि इन्हां चा दो चीज़ां ठीक ने, सो उन्हें नहीं जिहड़ी चीज सही नहीं वो पूछी है, तो ए ऑप्शन सही नहीं है। तो अपना आंसर केड़ा बनेगा? नाइन्थ का ए, द आंसर इज ए, ए ऑप्शन इज करैक्ट, बिल्कुल सही जवाब है जी। ठीक चल रहा है जी, बिल्कुल सही चल रहा अपना। चलो जी, टेंथ क्वेश्चन का जल्दी तो जल्दी जवाब दिता जाए, हरी अप रिप्लाई फास्ट। हाँ जी जल्दी ना रिप्लाई करो जी। टेंथ का फोर्थ, टेंथ क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी। अग्रेसिव चिल्ड्रन ज्यादातर किहड़े माता पिता के व्यवहार नाल बनते हैं? हाँ मजा आएगा क्वेश्चन नूं डिस्कस करके। अग्रेसिव चिल्ड्रन ज्यादातर किहड़े माता पिता के व्यवहार नाल बनते हैं? हुण टेंथ का सी डी बी बी रिप्लाई आ गया, मोनिका बी, सी सानिया सी, सानिया हो जाता सी जवाब रिप्लाई, बिना डी। चलो जी काका जी, पहला मेरी गल नूं ध्यान नाल सुन लो, बी जिहड़े अग्रेसिव ने ना वो नगलैक्टफुल नाल नहीं बनते, नगलैक्टफुल दे नाल क्रिमिनल बनते ने बच्चे, जिहड़े माँ प्यो अपने बच्चों नगलैक्ट कर देंदे ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਦੀ, ਸੀ ਪ੍ਰਮਿਸਿਵ, ਪ੍ਰਮਿਸਿਵ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰਮਿਸਿਵ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? लाडले, अपना काम आप करन वाले, अपने डिसीजन आप लेन वाले। ठीक है, ये चीजा ने। सो प्रिमिसिव दे नाल ओ बच्चे नहीं बनते, सी ऑप्शन भी तुहाडी गलत होगी। हुण रह गई जी एथोरोटेटिव ते एथोरोटेरियन। अमिताभ बच्चन की गल याद कर लिए, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम दे विच जिहड़ी टर्म्स ने अग्रेसिव चिल्ड्रन्स बनते हैं, क्योंकि इन्ना को कंट्रोल हो जाता, इन्ना को कंट्रोल हो जाता ना वो जो बच्चे किसी होर के माँ प्यो देखते हैं, जिमें गर्ल फादर दियाँ, जिमें सुमन की कहना चाह रहे हो, जिमें गर्ल फादर दियाँ होंदिया ने सर। नहीं मैनू तुहाडी गल समझ लगी, अगर तुसी बोल के दस दो ज़्यादा बैटर रहेगा। हाँ अंजलि आनंद, हुण सही जवाब से तुसी आए हो, एथोरोटेरियन बी इज द
करेक्ट आंसर ए बेटा नहीं पम्मी जी, ए आंसर क्यों आएगा, ए आंसर अथॉरिटेटिव तां पेरेंट्स होंदे ने जिहड़े कंट्रोल भी करदे ने हर गल नूं मनदे ने। आ मैं तुहानूं थोड़ा जिहा रैपीटेशन मोड दिखा देना, देखो जी अथॉरिटेटिव बड़े मजेदार माता पिता, इन्हां दे बच्चे कदे भी अग्रैसिव नहीं होणगे क्योंकि उन्हां नूं कंट्रोल भी मिल रहा, लव भी मिल रहा। जिहड़े अथॉरिटेरियन ने फुल इन्ना कंट्रोल है कि ओवर है, तो ये वाली चीज़ है नहीं, वो अग्रैसिव होंगे। ठीक है जी, ओके बी बी आंसर। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आपा टॉपिक पढ़िया भी है तो उस तरह के क्वेश्चंस अपने सामने आए हैं। चलो इलेवन का तो हम रिप्लाई कर ही दोगे तुसी, इलेवन का तो हाँ इलेवन का रिप्लाई तो उसी अच्छे तरीके नाल कर दोगे। क्रिमिनल नेचर दे माता पिता दे नाल, हाँ जी इलेवन का रिप्लाई करो, इलेवन का जवाब तो दे दो, बारहवें तो तुसी आ गए अंजलि आनंद, हाँ जी इलेवन का रिप्लाई करो पहला, इलेवेंथ मैं दस चुके हाँ इस करके तुहाडा जवाब ठीक आ रहा है। डी 21st का डी 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी आराम दे नाल टाइप करो, इलेवन का डी बिल्कुल सही, ठीक है जी ठीक है बिल्कुल सही। ट्वेल्थ से आ जाओ, ट्वेल्थ से सब तो प्रभावशाली प्रतिभाशाली माता पिता केड़े होंगे, रिप्लाई करो ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ का फर्स्ट सुमन ने रिप्लाई किया है फर्स्ट, अनिल कुमार ए, ठीक है मोनिका वर्मा ए, मनप्रीत ए, राइट आंसर राइट, अंजलि राइट, सानिया राइट। आपको मिलते हैं पूरे 2,00,000। चलो जी ठीक है जी, अथॉरिटेटिव अगर जॉब मिल जाएगी तो 2,00,000 के आपको बहुत पैसे मिलेंगे, जॉब में आ जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से सही जवाब देते जाओ तो सब कुछ मिलेगा। थैंक्स सर फॉर 2,00,000, जॉब भी चाहिए है, जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी। मैंने उस दिन आपको स्टोरी सुनाई थी ना, एक आपको सुनाई थी या किसी और ग्रुप में सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी ना आपको, 2 मिनट की स्टोरी थी, छोटी शॉर्ट स्टोरी वो बच्चे वाली, अगर नहीं तो रेपिटेशन मोड दे देता हूं। हमें नहीं सुनाई, आपको नहीं सुनाई, 2 मिनट की शॉर्ट स्टोरी, ओके चलो सुनिए ध्यान से। एक बार एक बच्चा अपनी मदर के साथ जाता है किसी उनके रिलेटिव के घर, तो उनकी शॉप होती है खाने पीने वाली, जो भी किराना स्टोर या जनरल स्टोर होता है। तो जब मदर के साथ बच्चा उनके घर में बैठता है तो उनके जो अंकल होते हैं वो एक बाउल लेके आते हैं जिसके अंदर कैंडीज होती हैं, और वो अंकल उनको आगे करते हैं बेटा ले लो कैंडीज, तो वो रिप्लाई करता है नो मैंने नहीं लेनी। तो उसकी मम्मा बोलते हैं ले लो बेटा ले लो कोई बात नहीं, शायद उनको लगता कि ये मेरे डर से नहीं ले रहा, मदर के डर से, बट वो नहीं लेता, वो कहता मम्मा मैंने नहीं लेनी। फिर वो क्या करते हैं अंकल, जो अंकल दे रहे होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से कैंडीज उठाई और उस बच्चे के हाथ में दे दी और उसकी पॉकेट में डाल दी, और वो उसने ले ली और वो लेके घर आ गए। तब मदर ने उनसे पूछा कि बेटा जब अंकल आपको दे रहे थे तब आपने क्यों नहीं उठाई, और जब अंकल ने आपको दी और तब आपने ले ली। तो बच्चे का पता कितना अच्छा रिप्लाई आया, वो कहता मम्मा मेरे हाथ अभी छोटे छोटे हैं, अगर मैं उठाता तो मेरे हाथ में 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा 5 कैंडीज आती, अंकल के हाथ बड़े हैं तो अंकल ने जब मैं वो कैंडीज दी तो मेरे पास 15 से 20 कैंडीज मिल गए। सो जब हम कुछ मांगते हैं ना गॉड से परमात्मा से ईश्वर से, तो हम अपनी औकात तक ही मांग सकते हैं, मीन्स टू हम अपने जितने हाथ हैं हमारी जितनी औकात है उसके सामने हम उतना मांगते हैं तो हमें फिर उतना ही मिलता है। और जो गॉड है परमात्मा है उसका जो घर है बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हम कभी मेजरमेंट या कुछ सोच भी नहीं सकते, और जब वो देता है ना
उसको पता है कि मैंने कब किसको क्या देना है। जब वो देता है ना, वो इस तरीके से देता है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। सो कर्म करें, सिस्टम के साथ चलें, एक ऑथेंटिसिटी बनाएं अपनी, तो आपको हर समय हर चीज का बड़े अच्छे से रिप्लाई मिलेगा। ये रियलिटी है, रियलिटी है, मतलब कि इसको हम स्टोरी नहीं बोलूंगा, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको रियलिटी बोलूंगा। सो हम कभी कभार ना निराश हो जाते हैं, यार इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, क्या मिला। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइफ का एक सिस्टम है। आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो सब कुछ सेटल है, डिपेंड ऑन योर कर्मा। सो कर्मा के ऊपर काम करें, हर कुछ मिलने को है। चलिए, ये स्टोरीज हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ठीक है जी मोनिका जी, प्यार देखभाल ज्यादा अति नियंत्रण बिल्कुल नहीं। प्यार एक क्वेश्चन की है, प्यार देखभाल ते ये जो चीजा बहुत ज्यादा होनी ते जेड़ा नियंत्रण है वो बिल्कुल नहीं होंदा। वो केड़े मां प्यो ने 13th, हाँ सी है ना, बस एवं प्यार ही करते हैं, गल मान ली, जेड़े आप गल लिखी ना, मनन वाले, गल नू मनन वाले माता पिता, ठीक है, गल नू मनन वाले माता पिता। सो ए है जी 13 दा सी आंसर, राइट आंसर। सो आज अपना जो कंटेंट है आपा वो भी डिस्कस कर लिया, ओदे नाल रिलेटेड 13th क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले। सो मैं कल तो, आज मैं थोनू वैसे कल क्या सी कि आज पीडीएफ मिलेगी, पर कल तो संडे तो बाद थोनू पीडीएफ प्रैक्टिस दियां क्वेश्चन दियां स्टार्ट हो जाएंगियां। सो कुछ बच्चे ने बुक्स की डिमांड की सी, वो जो थोड़ा ग्रुप बनया है व्हाट्सएप ग्रुप, ओदे विच थोनू एक एडवरटाइजमेंट मिल जाएगी। अगर बुक तुसी मंगवाना चाहते हो तो विदिन 2 or 3 डेज तुहाडे होम एड्रेस ते पहुंच जाएगी। जो भी उहदे चार्जेस होणगे उह तुहानू जो नंबर दित्ता होएगा उहदे ते तुहानू एडवांस पेमेंट करनी पएगी। बट कुछ बच्चों की डिमांड होंदी है कि सर वो सारा सिलेबस कवर अप करती है, साइकोलॉजी जो भी है बच्चों भी, अगर कुछ भी टॉपिक्स मिल रहे हैं उहदे विच तुहानू कुछ नवा मिलेगा, ठीक है, वो सारा कुछ मिल जाएगा। लगभग 380 to 400 की तुहानू विद कोरियर चार्जेस तक तुहानू बुक मिलेगी। जो भी होगा थोनू बुक शॉप वाले थोड़े नाल तुसी उन्हां नाल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वो थोनू डायरेक्ट थोड़े होम एड्रैस से भेज देंगे, ठीक है जी। सो अज की क्लास किवें रही, डिस्कस किया अच्छा रहा, जो भी अपने नाल विचार विमर्श, सर तुसी बहुत ईजी वे नाल टीच करते हो, थैंक यू अंजलि आनंद, ठीक है, हाँ शौक है इसलिए ईजी वे है, शानदार, अच्छा लगता है, मतलब कि एक रीइनफोर्समेंट मिलती है, बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू चरणजीत कौर जी, मैं तो किन्नी बार सर दी क्लास लगाई है, मोनिका वर्मा बहुत ही बढ़िया, मोनिका वर्मा फ्रॉम फाजिलका, मक्खन सिंह, ओके बहुत बढ़िया सर, हर रोज कुछ नवा होता है, फ्रॉम जलालाबाद मोनिका, ओके मोनिका बहुत अच्छी सर होन लगता है, पेपर क्लियर कर लांगे सर जी हो जाएगा, थैंक्स अ लॉट सर, राजवंत कौर जी, प्रैक्टिस जिन्नी हो सकती उन्नी ज्यादा की जाए, बट फाजिलका लगाई सी क्लास बहुत टाइम पहला, ठीक है मोनिका, अच्छा लगता है, पुराने स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो होर भी अच्छा लगता जी, ठीक है, थोड़ी विदिन 10 to 15 मिनट्स दे विच नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी सर, जो कम इंटरेस्ट नाल किया जावे तां नथिंग इज पॉसिबल, राइट राइट रजिंदर, अच्छी गल है, ऑब्जर्वेशन करया करो, कंटेंट नू पढ़िया करो, उहदे बारे अपने व्यूज तैयार करया करो, दैन उहदे कंसैप्ट दे विच जाके उहदे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नू सॉर्ट आउट करया करो। सर प्रे करो कि सब दे सिलेक्शन हो जाए, प्रे हाँ प्रे की जा सकती है, सब तक क्लियर हो जाए, बट जो रियलिटी है वो मिल जाएगी सब, ठीक है, कर्म ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट मेरे वालों तो हमेशा रहेगा कि जो बच्चे
ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੋਡ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਸਟ ਇਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ 10 to 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ 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 ਓਕੇ। ਆਲੇ